लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जन
छनन छनन छनवा मोरे बिछुआ छनन बाजने छनन छनन छनवा। मंगला देर हो रही है ना, मंदिर नहीं चलना है? अभी आए बाबा। खेत जाता हूँ, तू घर का कामकाज निपटा के रोटी भेज देना। अच्छा बाबा। मेरे दिल की दुनिया मीठे सपनों की, कब आए
है तू? ओ, ओ कबूतर, ओ कबूतर, भाग यहाँ से, भाग, कहता हूँ भाग, भाग, भाग यहाँ से, भाग। ए, कहता हूँ कि जा जा। हैं? अरे वाह, सड़क भी किसी के बाप की हो गई। चलो शुरू करो, मगर याद है ना, निशाना चूका तो डी देनी होगी। तुम सब डी का मतलब समझती हो ना? जी, सर से सर की टक्कर। हाँ चलो। तैयार? जी। एक दो। हार गई? चलो डी। अब और सब। भी गई डी। हमें शर्म आती है। शर्म? वाह क्या खूब। कौन हो जी तुम? मैं मालियों का सरदार। क्यों जी, क्या मालियों की पोशाक ऐसी तड़क भड़क हुआ करती है? ओ ये ये तो कुंवर साहब के उतरे हुए कपड़े हैं। अच्छा तुम कौन हो? यहाँ मेरा कबूतर उड़ाया है, मैं उसे पकड़ने आई हूँ। कैसा कबूतर? मंदिर का कबूतर। कौन सा मंदिर? ए, पहेलियां बुझाने लगे? मुझे पहेलियां बुझाने का शौक है। और तुम्हें? है तो मुझे भी, पर मेरा कबूतर पकड़ दो ना। पकड़ देंगे। कौन सा मंदिर? कन्या का मंदिर। कौन कन्या? तुम पकड़ चुके कबूतर। कुकुक। कौन कन्या? कौन कन्या? नाक कन्या। कान नाक, फंदा नाक। कैसा फन? सरदार फन। पकड़ चुके तुम कबूतर।
कहाँ उड़ गया पापी? ओ, फिर उड़ गया? मैं पकड़ देता हूं, तुम भी चली आओ। क्या है रे, कुंवर साहब को देख रहा है? वो बाहर गए हैं, जा काम कर अपना, जा। जाता हूं। ये कबूतर महल में नया नया आया है, जरा होशियारी से जतन से पकड़ना होगा। राजाओं के पलंग पर बैठ गए। कौन देखता है यहाँ? आओ तुम भी बैठ जाओ। कुंवर साहब, महाराज ने आपको याद किया है। बाजी कहीं का, मौके पे मौके आधमकता है। आप राजकुमार हैं? तो क्या हुआ, तुम्हें कबूतर नहीं चाहिए? लाइए दे दीजिए। आइए ले लीजिए। तो भले आदमी मालूम होते हो, पर हो कमीने। थू! बड़ी चटपटी थी सरकार। गधा, बड़ा आया देखने वाला। कितनी बार कहा है, जो आंख से देखे वो जबान पर ना लाया कर। भागियां से जयपुर के बाजार में उड़ा कबूतर जाए, मुड़कर वो देखे नहीं, इसका कौन उपाय? हे, क्यों रे, वो लड़की कहां रहती है? लड़की? अबे आंखें क्या फाड़ रहा है, वो जो अभी अभी यहां आई थी। यहां कोई लड़की भी आई थी? वो कहां रहती है, मैं उससे कब मिल सकता हूं? क्यों जी, मैंने कहा इधर से किसी लड़की को जाते देखा। लड़की? कौन लड़की? कौन लड़की,
अरे बाबा, मैं जानता तो तुमसे क्यों पूछता। कुछ नहीं, यूं ही देख रहा था। यूं ही देख रहा था पराई बहु बेटियों को। लुच्चे पाजी, मेरी माजी। चलो तितलियों, अगर किसी ने खेलने में गलती की तो जाके मुंह दिखाता है। मुंह दिखाने लायक हुए बिना कैसे आता कुंवर साहब? अब बंदा राई रत्ती खबर लेके आया है। वो लोग हनुमान मंदिर के पिछवाड़े रहते हैं। छोकरी का नाम है मंगला, उसके बाप का नाम है दयाल, उसका बाप था गांव का चौधरी, कहते हैं उसका नाम था धोकल। क्यों रे, छोकरे की दादी का नाम नहीं पूछा? सब कुछ पूछा है सरकार, सब कुछ पूछा है। दादी का नाम था कनक कटोरी कमला देवी। शाबाश। ए, मैंने तुझे लड़की का पता लगाने भेजा और तू दादा दादी? नहीं कुंवर साहब। इस वक्त कहाँ है वो? कौन, कनक कटोरी? अरे कनक कटोरी के बच्चे मंगला कहाँ है? वो तो अपने खेत में काम कर रही है। कहाँ? खेत में। शर्माती गोरियां, खिल 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 मिल 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 ललचाती छोरियां, शर्माती गोरियां। चांदी सा खेत रे, सोन जैसी रेत रे, चमकीले धूप जैसे
शाबाश। आप तिल के खेतों में मस्त झूमने वाली, ये काला तिल और ये गालों की लाली, जिसके खेतों में तिल, जिसके गालों पे तिल, जिसके नैनों में तिल, जरा देखें उसका दिल। अच्छा जी, दिन निकला नहीं और पहलिए बुझाने निकल पड़े। फूलों के झूलों सदा झूलने वाले, कांटा बनकर हर दिल में चुभने वाले, फूल से तिल का मेल नहीं है, दिल देखना खेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। बड़ी तेज हो। इसमें तेजी की क्या बात है, आपने सवाल किया मैंने जवाब दिया। अच्छा, सवाल जवाब हो चुके, अब आप जा सकते हैं। क्या मैं खाली हाथ जाने के लिए आया हूं? अरे मान भी जाओ, घड़ी भर मिलजुल कर जी बहलाएं, ऊं ऊं करके मुंह क्या मोड़ती हो? तुम राजकुमार होने के घमंड में बक रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। इधर देखो, तुम एक मामूली छोकरी हो, मैं राजा का बेटा हूं, मेरी बात मान लोगी तो बड़े सुख से कटेंगे अपने दिन। मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, छोड़ो मुझे। ऐसे नहीं, पहले मुझे एक डी दो। डी? क्या मतलब? सर से सर टकरा के एक दूसरे को पीछे हटाने का खेल। इतनी सी बात? मेरा हाथ छोड़ो, खेलेंगे। हाँ, अब आई ठिकाने, आओ। क्यों, कैसी रही दी? मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना, मुझसे शादी करने वाले के सिवा कोई मेरी छाया को भी नहीं छू सकता। तुम ये सोचती हो कि शादी करके सुख से रह सकोगी? मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगा। अगर मैं यहां का राजकुमार हूं तो मैं खुद तुझसे शादी करूंगा, तुझे कैद में रखूंगा, तेरा घमंड चूर चूर करूंगा और तुझे मजबूर करूंगा कि तू सुहागन होते हुए भी एक विधवा की तरह रोते रोते जिंदगी बसर करे। अगर मैं अपने खानदान की सच्ची औरत हूं और अगर तुम जबरदस्ती शादी करके मुझे सुहागन विधवा की जिंदगी बसर करने पर मजबूर करोगे तो मैं भी तुम्हारे जाने बगैर तुम्हारे बच्चे की मां बनके उसी बच्चे से तुम्हें भरी सभा में कोड़ों से पिटवाऊंगी। देखा जाएगा। देखा जाएगा। जल्दी जा और उनसे अर्ज कर कि मैं मिलना चाहता हूं। वो खेत वाली चल हट, जाता है या नहीं? क्यों कुमार, ये गुस्सा किस लिए? हां गुस्सा, गुस्सा नहीं आएगा। आप राजा हैं, मैं राजा का बेटा हूं, एक मामूली छोकरी मेरा अपमान कर जाए। क्या आखिर बात क्या हुई? उस खेत में किसान छोकरी ने मुझे धमकाया कि वो मुझे कोड़ों से पिटवाएगी। हाँ, मुझे कोड़ों से पिटवाएगी। कुमार, तुम्हारी आदत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, रोज एक न एक झगड़ा, शिकायत, फरियाद। मैंने आपको नसीहत के लिए नहीं बुलाया, मुझे उससे शादी करनी है। शादी? हाँ, मैं उससे शादी करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी कराएंगे या नहीं? ये क्या, अभी तो कह रहे थे कि वो किसान छोकरी है, अब उसे शादी करना चाहते हो? हाँ चाहता हूं, अगर आपने शादी नहीं करवा दी
तो मैं सबको छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा। कुमार, तुम मेरे इकलौते बेटे होने की वजह से जिद कर रहे हो। जिद नहीं कर रहा हूं। दीवान जी, आप फौरन उस लड़की के घर जाके उसके बाप से, क्या नाम उसका, दयाल, उससे बातचीत करके शादी तय कीजिए। मान जाए तो ठीक, वरना गिरफ्तार करके हवालात में डाल दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं बाबा, वो अपने आप चलाया और लगा पहेली बुझाने। मैंने जवाब दे दिया, तब उसे चले जाना चाहिए था या नहीं? तुझे समझा तो दिया था कि वो बड़ा पाजी आदमी है, फिर तू क्यों बोलने गई उससे? मैं उससे बोलने गई थी? मैं तो अपना नाच भटक रही थी। कोई अकेली दुकेली लड़की को हाथ लगाए और यूं ही चला जाए, न जाने क्या आफत आने वाली है। आने दो आफत, देखा जाएगा। अरे कहां वो कहां हम लोग क्या उनके सामने ठहर सकते हैं? हम गरीब लोग, वो राजा। राजा है तो हुआ करे, क्या उसके डर के मारे अपनी इज्जत दे देंगे? अगर उसके पास हुकूमत है तो हमारे साथ इंसाफ है। बाबा, डरने की क्या बात है? खैर, ये दयाल का घर है ना? जी, आप कौन हैं? यहाँ का दीवान। आइए। तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी, बैठिए। तुम्हारे पिता घर में नहीं हैं? बाड़ी में हैं, बुला लाती हूँ। बाबा, रात से कोई दीवान जी आए हैं, न जाने क्यों। कुछ पूछताछ करें तो दबना मत, हिम्मत से काम लेना। चलो। धन भाग महाराज, जो आप पधारे। आप खड़े हैं, बैठिए ना। कैसे आना हुआ गरीब के घर? क्या मैं खास काम के बिना यहाँ आता? खुशखबरी लाया हूँ, तुम्हारी किस्मत खुल गई। बड़ी खुशी, पर अब काम की बात कीजिए। अपने राजकुमार है ना, शिवपाल सिंह जी, वो शादी करना चाहते हैं। बड़ी खुशी, शौक से करें। वो तुम्हारी लड़की मंगला से शादी करना चाहते हैं। क्या क्या कहा आपने, मेरी मंगला से? अजी आप तो हंसी उड़ाते। हंसी नहीं, इस बात का फैसला हो चुका है कि तुम्हारी मंगला से कुमार की शादी होगी। सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। आए तो बड़ी खुशी, लेकिन ब्याह शादी की बात छोड़िए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक महलों में एक मिट्टी में। कुछ पान शरबत मंगाऊं सरकार? क्या मैं यहाँ पान शरबत के लिए आया हूँ? बड़ी खुशी, तुम्हें हो क्या गया? बात बात पर बड़ी खुशी होती है। नसीब समझो कि कुंवर साहब को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है, वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। कबूल कर लो, 1,00,000 फौरन दिलवा दूंगा। तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं क्या बात क्या हुई? आ गए बस, खेत में मेरी मंगला को अकेली देखकर तुम्हारे राजकुमार ने उसे छेड़ा, अरे चुरे किया, उसे झगड़ा करने के लिए लाचार कर दिया, और बात करने आए हो ब्याह शादी की। दीवान जी, हम गरीब सही, लेकिन अपनी बेटियों के सुहाग का सौदा नहीं करते। जाइए, अपनी लाभ की थैली किसी और को दिखाइए। तो जानते हो इसका नतीजा, तुम्हारा घर बार, खेत खलिहान, यहां तक की जान भी। बड़ी खुशी, ठहर, दिखाता हूं तुझे बड़ी खुशी। ए! ठहरो, जाके कह दीजिए मुझे शादी मंजूर है। मंगला, बाबा तुम नहीं जानते, हाँ कह दो। हाँ,
मियाँ न खिलने पाए वो बाग क्या है बहार क्या है जो भार बनकर रहे गले में वो हार क्या है सिंगार क्या है सोचना था ये देखना था कि मेरे दिल की पुकार क्या है ए गुंगी गुड़िया तुमने मुझे मिट्टी का शेर समझ रखा था है ना अर रो रही हो रो रो रोना तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है नहीं मैं रोती नहीं हाँ यूं कहो मेरी कपट कबूतरी
क्या बढ़बड़ कर बातें करती थी। वो नखरा, वो गुस्सा, वो शेखी, वो शोखी, कहां गए सब? जानती हो मैं क्या करने वाला हूं? जानती हूं, आपने उसी दिन बताया था ना। सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप भी गुस्से में थे, कुछ कह बैठे। मैं ठहरी और उसकी जात जवाब दे बैठी। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अब हम एक दूसरे के हैं। कई गुजरी को भूल जाइए, मुझे इस तरह बर्बाद ना कीजिए। नाटक कर रही हो? मैंने जो कह दिया कह दिया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही रहेगी, तुम परित्यक्ता ही रहोगी। शहर के बाहर एक आलीशान महल बनवाकर, उसे खूब सजाकर संवारकर, तुम्हें वहां बड़े आराम से रखूंगा। देखभाल के लिए एक बांदी भी हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन महल के दरवाजे को बंद करके, ताला लगा के, मोहर लगा के, उसकी चाबी मैं हमेशा हर घड़ी अपने पास रखूंगा। जब तक जिंदा रहोगी, अकेली पड़ी पड़ी अपने किए का फल भोगती रहोगी, रोती रहोगी। ओ, मैं पसंद आने लगा? ये बात नहीं, मैं तो डरती हूं कि बोलते बोलते कहीं आपका गला ना सूख गया हो। बड़ी होशियार समझती है खुद को। तुम्हें नजर कैद करने के बाद मैं महल के बाहर खड़ा होकर शान से ऐलान करूंगा। ओहो, देखती जाओ। मत भूल कभी नादां, तुझे बात निभानी है। अब क्या ये नादानी है, क्यों आँख में पानी है? मत बैठ कभी ये दिल किस्मत के भरोसे तू, मत बैठ कभी ये दिल किस्मत के भरोसे तू। हिम्मत से बढ़े जाना, हिम्मत से बढ़े जाना। जो बिगड़ी बनानी है, उठ पहुँच जरा सू बतला दे तू दुनिया। मत भूल कभी नादां, तुझ
मुझे बात निभानी है। खामोश निगाहों में है शोर कयामत का, खामोश निगाहों में है शोर कयामत का, सिमटी हुई बाहों में बिजली की जवानी है। दिल तोड़ के बैठी तो सब लोग कहेंगे यूं, दिल तोड़ के बैठी तो सब लोग कहेंगे यूं, कोई थी कसम झूठी ये उसकी कहानी है। मत भूल कभी नादां, तुझे बात निभानी है। आपने तो कैदखाना कहा था ना, ये तो बड़ा भारी महल मालूम होता है। सिर्फ महल ही नहीं, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना पीना, दूध दही फल फूल, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन सुहाग का सुख कभी नहीं। कहीं उड़ने की कोशिश न करना मेरी बुलबुल, अगर की तो जानती हो क्या होगा। ए, कौन है? अगर तुमने भागने की कोशिश की या कोई और शरारत की तो ये बिगुल बजाएंगे। किस तरह? इधर बिगुल बजी, उधर ये आए। जानती हो इन्हें क्या हुक्म है? कोई यहां से बाहर कदम भी रखे तो फौरन फांसी लगा दो। और देखो, ये है तुम्हारी साथिन बिजली।
हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ, अब डरी तुम? डरी मैं? अरे तू मेरे पीछे क्यों लगी फिरती है? हुक्म चलाना चाहती हो मुझ पर? क्यों रे, कभी पीछा भी छोड़ेगी मेरा? मुखड़ा क्या देखे दर्पण मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, ओ तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, ना कोई देता ना कोई लेता, सब कुछ राम भरोसे, हो मोरे रामा सब कुछ राम भरोसे, रतन फेंक कर कंकर लेता, कौन कहे अब तो से। क्यों भटक रहा गलियन मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तुम्ही ने पत्थर फेंका ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं। नहीं मैंने खुद देखा ना, हम जैसे फकड़ों पे पत्थर फेंके तुम्हें क्या मिलेगा भैया। लो, यही एक कन्नी है मेरे पास। पत्थर के बदले पैसे? अरे पैसे क्या, रुपए मिल सकते हैं। मगर हम जैसे भिखारियों के पास क्या रखा है भैया, अमीरों पे हट्टे कट्टे जवानों पे पत्थर फेंको, वो तुम्हें मुट्ठी भर भर देंगे सियाराम। ऐसा? माँ 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 माँ, देख तो, तू मुझे कहा करती थी निकट्टू है निकट्टू, अब कमाने की करामात मेरे हाथ लग गई। माँ एकनी एकनी, ले ले इसे संभाल के रख माँ, संभाल के रख। हैं, ये कहाँ से आई? आई नहीं, कमाई। कैसे रे? ओहो माँ पूछताछ रहने दे, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे पत्थर जमा करने हैं। जा तू अंदर जा और देख शाम तक मैं कितनी कमाई करके तेरे लिए लाता हूँ। जा जा माँ जल्दी जल्दी जा। Thank you.
ए, ये पत्ता किसने फेंका? हमने फेंका। लाओ। अब यार, माँ। हैं? क्यों जी? क्या है? क्या है? देखो अपने कपूत की करतूत, जरा ऊपर लगता तो खोपड़ी खिल जाती। कौन सी आंधी घड़ी में जन्मे थे ये सपूत? कहो से बाहर आए, उसकी कपाल क्रिया करके ही दम लूंगा। नहीं नहीं भैया जी, गुस्सा ना हो, फिर कभी ऐसा ना होगा। और अब जो हो गया उसका क्या? बड़ी मुसीबत में फंस गए रे। वो आदमी आसानी से पीछा ना छोड़ेगा। माई बाप कह के उसे पिंड छुड़ा कि अनजान में हाथ उठ गया। अरे ये मैं तो भके जा रही हूँ, और तू टस से मस नहीं होता। अबे ओ बुद्धू के बच्चे, सीधी तरह किवाड़ खोलता या नहीं? मर गया माँ, अरे आस्ते माँ, माँ माँ माँ, माँ माँ माँ, माँ माँ मर गया माँ, माँ 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 मत मार माँ, माँ 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 माँ, माँ माँ माँ, माँ माँ माँ, मर गया। बस करो बहन, बस करो, किवाड़ खोलो। अरे रे 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 रे, तुमने तो मार मार के पलोथन भी खेल दिया बेचारे का। नरो बेटा नरो, इसे काहे को घर में बेकार बिठा रखा है, किसी काम वाम से क्यों नहीं लगा देती? क्या करूं भैया जी, ये इकलौता बेटा लाड प्यार में बिगड़ गया, बुरी संगत ने इसे कहीं का ना रखा। अच्छा तुम कौन हो भैया? मैं नट हूँ, चाहो तो इसे मेरे साथ कर दो, मुझे जो कुछ आता है इसे सिखा दूंगा और अपने बच्चे की तरह रखूंगा। भला हो भैया, ले जाओ, अपने बच्चे की तरह रखना है। जाओ बेटा, जाओ अपने मामा के साथ। चलो मामा, चलो। चल बेटा। तरफ पास है जुबान, एक तरफ दिल की
जल्दी बातचीत करके चले आओ। कभी सपने में भी न सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हंसी हंसी में बात बिगड़ गई। बाबा, बेटी, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं। सोचा जाके महाराज से दाद फरियाद करूं, सो कुमार ने न जाने दिया। मैं उसके भी पांव पड़ा, गिड़गिड़ाया, मगर सब बेकार। बहन, मेरे बाबा मिलने आए हैं, जरा उधर चली जाओ ना। एक बात सूझी है बाबा, इन चींटियों को देखो, इधर से दाखिल हो रही है और उधर से निकल रही है। तेरी बात को समझा नहीं मंगला। इन चीटियों की तरह हम भी एक सुरंग बना सकते अपने घर से यहां तक। सुरंग बना लें तो? मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने का यही एक उपाय है। बना तो ले, वो महाराज के दिए हुए रुपए यूं ही तो पड़े हैं, लेकिन पता चल गया तो? पता? वो औरत जो सर पर सवार है, उसका इलाज मैं कर दूंगी। वक्त हो गया। अच्छा बाबा,
रानी जी, रानी जी, रानी जी, क्या हुआ? चलो, सपना ही था। सपना? कैसा सपना? क्या बताऊं बिजली, मुझे शायद कोई भूत था, उसने मुझे पकड़ लिया और कहा बिजली की गर्दन क्यों मरोड़ दे। मेरी गर्दन? हाँ, मैंने कहा आज नहीं और किसी दिन मरोड़ दूंगी, तब भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा री। क्यों रानी जी, अगर उसने आपको मजबूर कर दिया तो? भूत का कहा कौन टाल सकता है री? हाँ, भूत का कहा कौन टाल सकता है? भूत का कहा कौन टाल सकता है? अरे भागती कहाँ है, भागती कहाँ है? ठहर तो, ठहर तो, मुझे डर लगता है। अरे मुझे डर लगता है। क्यों रे, मुझे अकेली छोड़ गई तू? आप कुछ भी कहें, मैं तो इस कमरे में कभी नहीं आने की। कभी नहीं आने की? कभी नहीं, मर कर भी नहीं। अच्छा, तेरी मर्जी। बेटी चमेली, ओ चमेली। क्या है बाबा? ये हमारी टोली में आज ही भर्ती हुआ है, इसका नाम है बालम। बालम? क्या? हाँ हाँ, बालम। बालम या बुद्धू, क्या रंग रूप पकड़ लाए बाबा। बाप बेटे खूब लटके, मगर बिना सहारे झूलो तो जाने। ए बालम, ए बालम, मैं गिर पड़ूंगा, गिर पड़ूंगा। बालम बालम, अरे गिर पड़ूंगा, गिर पड़ूंगा।
ए, क्या देख रहा है? नहीं नहीं, देख रहा हूँ। देख रहा हूँ, बाप का मार है। हाँ हाँ, मगर ये उछल कूद क्या कर रही थी आप? अरे उछल कूद नहीं, कसरत बुद्धू, कसरत। देखो जी, मैं बुद्धू तो नहीं, बालम बालम। कभी चेहरा भी देखा है आने में? बालम ऐसे होते हैं? तो फिर कैसे होते हैं? अरे बालम की तो ये बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तोते जैसी नाक होती है, अनार दाने जैसे दांत होते हैं, पापड़ जैसे पतले पतले कान होते हैं। बस 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 बस, तुमने तो बिल्कुल मुझे ही बयान कर दिया है। चलो मिल गया तुम्हें बाप, चलो। ए, सर खुजला रहा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जी मचला रहा है। अरे ये क्या? उस्ताद, तुम्हारे उस नए रंगरूट ने लटका दिया है, कैसे उतरूं? अबे ऐसे उतर उल्लू ऐसे। अरे ये कर्तव्य कहाँ सीखा तूने? अबे खुकू, देख और शर्मा, तूने उम्र भर छक मारी, ये अभी आया और देख कितने घड़े उठा लिए। ए बालम, जरा इसी तरह सीढ़ी पर तो चढ़ देखें। यूं के यूं ही रह गए। ओ, एक दफे तो मैं भी दंग रह गया, इन्हें चिपका रखा है ना तूने। शाबाश पट्टे, अक्कल बड़ी के भैंस, तू ही मेरा होनहार चेला है, चल। बालम, कल चंदन चौक में अपना तमाशा है। हाँ। मेरी सिखाई हुई तरकीबें याद है ना? हाँ। शाबाश। अच्छा देख तो भीतर आम रखे हैं, जाकर चमेली से एक ले ले। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ओ ये, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम मुझे एक भोसा दो है? है क्या? तुम्हारे बाबा ने जो कहा है लो। ए, जी तो अच्छा है तेरा। नहीं देती? अच्छी बात है। उस्ताद ये ना कहती है। दे दे बेटी दे दे। सुना? लाओ दो। क्या कह रहे हो बाबा? अरे दे दे बेटी, बड़ा अच्छा होनहार लड़का है। सो क्या? अरे कहा नहीं दे दे, जा जा। दे दिया? हाँ दे दिया। लो एक और ले आओ। और किस लिए? वैसे ही देखूं मेरे कहे से देती या नहीं। ओ अच्छा अच्छा। चमेली, अब इस हाथ पे एक बोसा दो। ए, ये सब क्या है? क्या है? तुम्हारे बाबा जो कहते हैं, और मैंने तुम्हारे बाबा से पूछा भी कि बार बार मुझे अंदर क्यों भेजते हो, तो बोले बेटा चमेली से तेरा ब्याह होने वाला है ना, सो अभी से हिल मिल जाओ तो अच्छा है। मैं क्या करूं? लो अब बाबा, ये क्या तमाशा है? दे दे बेटी, एक और दे दे। नहीं दूंगी। क्या नहीं दूंगी? और मैं जो कहता हूँ, जा जा दे 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 दे। लाओ। दे दिया? हाँ दे दिया। लो इसे रखो, अब सिर्फ एक यहाँ आते। ओ अरे वो, अरे एक और ले आता हूँ। ये बार बार अंदर क्यों जा रहा है? ले। चमेली। हाँ 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 हाँ, क्या है? हो, इतनी गर्म क्यों होती हो? कहूं भी तो कैसे कहूं? क्या? तुम्हारे बाबा ने कहा है कि
एक यहाँ दो बोसा। ए, मारे तमाचों के मुंह लाल कर दूंगी, समझा? ये बात है, अभी कहता हूँ बाबा से। उस्ताद क्यों बे, क्या मांग रहा था इससे? वो मैं वो बोला। ये क्या मांग रहा था बेटी? तुमने क्या मंगाया था बाबा? मैंने तो आम मंगाया था। आम ही तो मांग रहा था बेचारा। पर मैंने तो कुछ ऐसा सुना जैसे बोसे। ओ, वो कहता था बहुत से दो, बहुत से। ओ बेटा बालम, तेरी तो मुफ्त में मरम्मत हो गई, बुरा ना मानना है? कोई बात नहीं चमेली, फिर कभी मांगे तो दे देना, समझी? बालम अगर ये ना दे तो मैं दे दूंगा। ना 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 उस्ताद, तुम ना देना खट्टा लगेगा खट्टा रानी जी, ये कैसी आवाज? वही री, उसी भूत की शरारत है। सीखना होगा? हाँ बाबा, सुना है
कुंवर साहब को नाचना गाना बहुत पसंद है। तुझे अपने पति का जिक्र करते वक्त हंसी कैसे आ सकती हरी? वो नालायक है, बदमाश है। बाबा उनके बारे में ऐसा मत कहो। वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेरे पति है ना। फिर ऐसा ना कहना बाबा। मुझे क्या पड़ी है जो तेरे पति के बारे में कुछ कहूं। अच्छा अब करना क्या होगा? अब एक काम और है बाबा, किसी नाच सिखाने वाले की तलाश करो जो नेक भी हो और होशियार भी। ठीक है। अच्छा देर हो रही है बाबा। बालम, मैंने जो कुछ बताया याद है ना? हाँ। भीड़ भड़कके से घबरा के कहीं अनसन न बकने लग जाना, समझा? यहाँ तो सुनने से पहले ही समझ जाते हैं उस्ताद। तो फिर बजा ढोलक। तालियां बजाओ। देखें, सुनो मालिको, सुनो मेहरबानो, जादू नहीं, टोना नहीं, जंतर नहीं, मंतर नहीं, न धोखा न सफाई, जान का खेल है जीवन की बाजी, बांस पे नाचना, रस्से पे कलाबाजी, कर गए तो कर्तव्य, गिर गए तो मौत। ठाकुरो सरदारो आस औलाद वालो, ये सब किस लिए? इस छोटे से पेट के लिए। छोटा सा पेट, ये तो गोदाम है गोदाम। बैठो मालिको, बैठो सरदारो, बैठो बैठो। हाँ अब हम आपको जादू के खेल दिखाएंगे, ऐसे खेल जो आपने कभी ना देखे हों। ए बालम, ये सब सामान उधर रख दे जाके। अरे ये क्या राजहंस की तरह झूम झूम के चल रहा है? अबे ओ खुकू, दोनों मिलकर रख दो जल्दी, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। हाँ बालम अब शुरू करो। अच्छा एक मर्तबा सब लोग तालियां बजाओ। देखे हाँ? नहीं बजाते? परवाह नहीं, अब देखते जाइए हमारे जादू मंत्र के कमालात। सबसे पहले हम ये आम की गुठली बोकर आपको ये पेड़ दिखाएंगे। क्यों, ये भेद नहीं बताना था? अरे मेरी इज्जत पे लात मारने वाले बेवकूफ, बस बस बहुत हुआ, इधर आ। इस टोकरी के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। बोल क्या लाऊं टोकरी में? छोकरी। इसलिए? शादी करूंगा। शादी करेगा? अच्छा, अरे भगवती भैरवी भवानी मसानी, भर दे टोकरी, भेज दे छोकरी, भेज दे छोकरी, चल। हाँ
छोकरी है ओ छोकरी है ओ छोकरी है टोकरी में छोकरी है। हरे हरे बांस की ये गोल गोल टोकरी, हरे हरे बांस की ये गोल गोल टोकरी, टोकरी में छोकरी है टोकरी में छोकरी है टोकरी में छोकरी है। रे आंखें जैसे नींबू की फांकें, जैसे बुलबुल की पंखें, रे आगे रसीले नशीले कटीले, रे आंखें रसीली नशीली कटीली हो कटीली, आंखें रसीली नशीली कटीली, आंखें रसीली नशीली कटीली, जुल्फे लहराए जैसे नागन हटीली, जुल्फे लहराए जैसे नागन हटीली, गोरी रंगीली छबीली सजीली, ओ गोरी रंगीली छबीली सजीली, राजा रईस करे छोकरी की नौकरी, ओ राजा रईस करे छोकरी की नौकरी, ओ छोकरी की नौकरी, ओ हरे हरे ओए ओए हरे हरे ओए ओए हरे हरे बांस की ये गोल गोल टोकरी, छोकरी में टोकरी है टोकरी में छोकरी है, टोकरी में छोकरी है टोकरी में छोकरी है टोकरी में छोकरी। आपके सचमुच छोकरी बुलाता हूँ, देखिए। अरे भगवती भैरवी भवानी मसानी, भर दे टोकरी भेज दे छोकरी। देख बाजार, मोती बाजार, तुम जा
सब इंतजाम हो जाएगा, तुम वहां आके। जी हाँ मैं समझ गया, जरा ठहरिए मैं अपने आदमियों को इकट्ठा कर लूं। और खास बात यह है कि आप मुझे ऐसा नाच सिखाएं जिसकी राज दरबार में भी तारीफ हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाचना गाना जबान सब कुछ नया निराला होना चाहिए। अरे जबान क्या, हम तो आदमी की सूरत भी नहीं निराली बना दे। जादूगर हैं या घसियारे? और देखो ये बात कोई भी न जानने पाए। मैं तो जान गया अब। हम कह देंगे कि हम तो नाचने गाने का अभ्यास कर रहे थे। तो मैं भी चला सबसे कहने के लिए। हाँ तो कोई अच्छा सा दिन देखकर शुरू करें। से सुनो, ब्रूडर लिफ उम्शलुंगन, समझी ना? हाँ? बोलती क्यों नहीं, समझी या नहीं? क्योंकि ये एक जबान है, सीखनी चाहिए। क्योंकि फर्ज करो कोई परदेसी आया और कुछ ना कुछ बोलने लगा और हम समझे ही नहीं, मगर कबूल क्यों करे? उम्शलुंगन, चारों खाने चित और फिर बड़े आगे रुख डर डो डस डियर डे। हाँ, शाबाश, पढ़ो इधर। हाँ पढ़ दे। ब्रूडर लिप, लिप नहीं लिफ लिफ। शाबाश, सिर्फ हवा ज्यादा हो, करें क्या, जबानी ऐसी है। ब्रूडर लिफ उम्शलुंगन उम्शलुंगन उम्शलुंगन। शाबाश, ब्रूडर लिफ उम्शलुंगन। ड्रुख ड्रुख इसके मानी क्या? किसे मालूम, मैं समझता इसके मानी मानी कुछ नहीं। मैं भी कुछ नहीं जानता और तुम भी कुछ नहीं जानती, मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं जानता। काका किकी कुकू केके काई कोको कौ, यानी होशियार। चचा चिची चुचू चेचे चई चोचो चौ, यानी तैयार। टटा टिटी टुटू टेटे टई टोटो टौ, यानी तफार। मैंने सब कुछ सिखा दिया है, अब एक काम और बाकी है। राजकुमार साहब की सेवा में जाकर
उनसे हमारे खेल तमाशे की इजाजत ले आइए। अच्छा, और सुनिए, कोई मेरे बारे में पूछताछ करे तो कह दीजिए कि मेरी बेटी है। अच्छा, अभी जाते महल की तरफ। जय राम जी की। कौन हो जी तुम, क्या चाहते हो? जी मैं एक मशहूर नट हूँ, महाराज के दर्शन चाहता हूँ। आप तो महाराज के? हाँ हाँ, भाई बंदी समझो, वो राजा हम ठाकुर। हाँ, अबे ओ बालम, दौड़ करा जल्दी आ। नमस्कार महाराज। अब ये महाराज नहीं। ओ, मैंने भी यही सोचा, महाराज के रूप रंग ही अलग होते हैं। ये बेचारा तो हमसे भी गया गुजरा है। अब ठाकुर हैं। ठाकुर? हाँ। ओ नहीं ठाकुर, चुप, हम कोकाव के रहने वाले हैं, सीधे वहीं से चले आए। हाँ, नहीं 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 साहब, ये सरासर झूठ है, हम तो इसी शहर के रईस हैं, उस पुराने पीपल के दरख्त के। चुप है। क्यों, इस गांव में सच बोलना मना है? चुप नहीं रहेगा तू? चुप। ए, तुम्हारा तमाशा देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ जाओ। ये चले। हुजूर ये क्या फरमाया, हम तो बड़ी आस लेकर आए थे। मेरी एक लड़की है, मैंने उसे बेहतरीन नाचना सिखाया है, उसका पहला नाच अगर महाराज की खिदमत में पेश होता तो। क्या 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 क्या, लड़की? जी हाँ, मेरी बच्ची। बच्ची? तो अंदाजन उम्र क्या होगी? जी 16 सावन पार कर चुकी है हुजूर। 16 साल की, तो हसीन भी होगी। अच्छा अच्छा, कुंवर साहब से अर्ज कर देखते हैं, चलो। नमस्कार महाराज। अबे ये महाराज नहीं, चल चुपचाप। नमस्कार महाराज। क्यों? अब किसी को नमस्कार किया तो तेरा खून कर डालूंगा, चल। महाराज नमस्कार। कर नमस्कार। नहीं, तुम मेरा खून कर डालोगे। अभी खून के बच्चे यही महाराज हैं। कर नमस्कार। ओ महाराज नमस्कार। कौन है ये लोग? कोकाफ के रहने वाले हैं, ये लोग हुजूर के दरबार में अपनी नट विद्या का कमाल दिखाना चाहते हैं। कह दो, फुर्सत नहीं। सरकार, एक लड़की भी है। हैं? लड़की? जी हुजूर, ये कहते हैं कमतिन है, हसीन है। कौन है वो? मेरी लड़की हुजूर, इसी उम्मीद पर उसे इतनी दूर लेकर आया हूं कि उसका पहला नाच सरकार के दरबार में हो। क्या वो सचमुच इतनी खूबसूरत है? लाखों में एक हुजूर। जी सरकार। तमाशे का इंतजाम करो। आ, चिल्लाते क्यों? अच्छा बालम, अब हम अपना कर्तव्य दिखाने वाले हैं। हाँ। बांस पे नाचेंगे। हाँ। रस्सियों पे चलेंगे। हाँ। अगर महाराज को खुश कर सके तो वो हमें रुपये देंगे, देंगे कपड़े देंगे, देंगे साड़ियाँ देंगे, धोतियाँ देंगे, देंगे और क्या क्या देंगे, अगर इसी तरह बकते रहे तो जूतियाँ देंगे। ए,
हम ऐसा तमाशा नहीं देखना चाहते। जो हुकुम सरकार। बालम बैठ यहाँ। क्यों? अरे बैठता है या नहीं? बैठता हूँ, बैठता हूँ। अब मैं तुझे इस टोकरी में बंद करने वाला। बंद करके तुझे एक छैल छबीली झोकरी बनाने वाला। मैं मिला उस्ताद तुम्हें? मैं नहीं बैठता, तुम अपनी बेटी को बुला लो। तू आ बेटी। ना 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 ना, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। उस्ताद मुझे लड़की बना रहे थे, और कहीं तुम्हें लड़का बना दिया तो मैं क्या करूंगा? उस्ताद हम पर तो मेहरबानी रहे। वो दूसरी खड़ी है ना, उसे बुलाकर बिठा लो टोकरी में। चलो चलो चलो। सिमकी तू आ बेटी। हे भगवती भैरवी भवानी, अब मैं ये तलवार इसके आर पार करता हूं, इसकी रक्षा करना। अरे बाप रे, कहां गई? अब मैं उस लड़की को फिर हाजिर करता हूं। ओ सिमकी, मेरी चाल निहार कैसे चुम्बकदार, मेरी कमर निहार कैसे लचकदार, मेरे नयन निहार जैसे तेज कटार, मेरी नथ निहार कैसे है चमकदार। ये बहार ये निखार, तुम शिकार मैं शिकार, फड़क 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 फड़क। अय्ये मरी मैं तो लाज से, हरी मैं तो लाजो मरी। अय्ये मरी मैं तो लाज से, चाचा जी जी जो जो जे जो, कक्का किक्की कुक्कू के कई कगो, पिया से मिलन की आसरे। छोटी सी रात छोटी सी बात, दिल की पुकार सुन बालमा, सुनो सुनो प्यारे मोरे साजना, चाचा जी जी जो जो जे जो, कक्का किक्की कुक्कू के कई कगो, टटक टटिक चु चु डे डे जो।
महाराज बहुत खुश हुए हैं। वो लड़की कौन है? हमारी बेटी। ओ, महाराज उससे मिलना चाहते हैं। चमेली चमेली, चलो चलो भाग, चलो चलो। क्या हुआ क्या? अरे खैर नहीं, तुम समझती नहीं, चलो। समझ गए ना? अच्छी तरह। मतलब ये कि आज रात को सिम की वसंत मंडप में आए। हाँ। अच्छा जी, मंगला डरना मत, आज तो सिर्फ एक नाचने वाली है, अपनी प्रतिज्ञा याद रखना, डर गई तो कान मरोड़ दूंगी तेरा। पधारिए सरकार। मेरे आने से तुम खुश हो ना? ब्रूडरलिफ फुमश्लुंगंड्रुख वंडर टोडस टियरडे वा अपेंड हो जीफ्ला करटन ऑफ हाइनन ह्यूगन निहट फर्न फांडन होनुंकन हूं। ए लड़की, हां तुम्हें हिंदुस्तानी नहीं आती? थोड़ा थोड़ा आती। तो फिर हिंदुस्तानी में ही बात करो ना। फुमश्लुंगन, मैंने कहा हिंदुस्तानी में बात करो। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तुम्हारा वो महल वाला नाच अभी तक मेरी आंखों में घूम रहा है, और उसकी मुबारकबाद के लिए मैं यहां खुद आया हूं।
नाचने गाने वालों को मैं दिल से चाहता हूं। और सुना, जिस वक्त तुम नाच रही थी मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ। क्या हुआ, तुम डरी हुई सी मालूम होती हो? क्या मेरी बोली समझ में नहीं आती? कोई बात नहीं, चलो नाचो। हमारा नाच पसंद है? है, नाच भी पसंद है, बोलना भी पसंद है। अब नाचो। Thank you.
नाच पसंद? तुम्हारे पांव सोने की पायल पहनने के काबिल हैं। ओह पायल है? हाय ओह वीरावीस आओ अपने हाथों से पहना दो। जब तुम महल में नाच रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें सोने की पायल पहनाऊंगा। और अब पहना भी थी। वाह तुम जैसी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी प्यारी हो तुम। क्या कहा? कितनी प्यारी हो तुम। फिर एक बार। कितनी प्यारी हो तुम। फिर एक बार। फिर एक बार ये। हाँ, द रोड्स क्लियर के। रोड्स क्लियर दे। चित या पट? बताता हूँ। लेकिन दाव क्या होगा? चित तो मुझे ये और हाथ और पट तो मुझे प्यार। पट है ना? हाँ पट पट। अच्छा जीत तुम्हारी हुई। आओ पहना दूं। Ringus warmer wound is up and broken home. Fernan Doon flying first and day still. Schweigen, wie es weire, wie es weise, dire hopes he does lumus views. The lacquer wound, style day wound, laser arm wound. फिर वही पुरानी ज़बान। चंदा चांदनी चांदनी मेरी चांदनी तो तुम हो। बाबा नहीं आए? अरे आ जाएंगे, जल्दी क्या है? ए, तुम दोनों भाग क्यों आए? क्या समझ रखा है अपने मन में? नौकरी है या भाई बंदी? क्या टिटी लगा रखी है? कुछ मालूम भी है? क्यों? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? महाराज का मन हुआ तो वो लड़की गायब, और कहीं दीवान जी का मन हो जाता तो फर्ज करो हो जाता तो हमारा क्या हाल होता? भाग भाग, ये तेरा काम नहीं है।
ओ जी ओ ओ जी ओ हाँ जी ओ हाँ जी ओ हाँ जी ओ भोले भाले सनम मत वाले सनम रात जावे है जावे है रात जावे है मोर प्यारे बलम मत वाले बलम नींद आवे है नींद आवे है तेरा कैसा है सितम जरा सोच तो सनम ओ सनम बेरा हम रात जावे हैं नींद आवे है नींद आवे है रात जावे है जावे है रात जावे है रानी आज मेरी गाड़ी पहुंची दिल के गांव तक पहुंची दिल के गांव तक मैं तकिया तू रजाई तू घास में दिया सलाई मैं सीना तू अंगड़ाई तू तबला मैं चहनाई तुम्हें जान गए हम करो प्यार जरा कम कैसे करूंगी हजम जी घबरावे है मोरे प्यारे बलम मत वाले बलम नींद आवे है नींद आवे है भोले भाले सनम मत वाले सनम रात जावे है रात जावे है ये शेर तेरे जादू से अब बिल्ला बन गया मेहमान मेरे मनमाने मैंने ढंग तेरे पहचाने बालम बन के लगे सताने मैं आया प्यास बुझाने आओ गाएं मिलके हम हुए दूर सारे गम वो सनम ना फे हम तू सतावे है नींद आवे है नींद आवे है रात जावे है जावे है रात जावे है ओ बाबा आ गए ओ हाँ क्यों री मुझसे कहे बगैर ही चली आई नहीं बाबा खैर ले रख बेटा बालम उस्ताद मैं तो ढोलक बजा रहा था ये बेवक की ढोलक अच्छी नहीं बेटा सुनो मैं कह रहा था जब से तुम यहाँ आए हो हमारी तकदीर खुल गई अब तुम हमेशा यहीं रहो बहुत अच्छा उस्ताद कल चमेली के साथ तुम्हारी शादी होगी कल क्यों उस्ताद अभी रानी जी क्यों री आज फिर इतनी जल्दी खाना ले आई रानी जी आजकल खाने पीने से बहुत जी चुराती हैं आप ऐसा क्यों कहती है कहूँ कैसे नहीं रोज देखती हूँ थाली यूं की यूं ही धरी रहती है जैसे कोई दो जीवों वाली हो क्यों रानी जी
कुंवर साहब से कहूं कि आपका जी अच्छा नहीं, तू अपने काम से काम रखना। ये भी तो मेरा ही काम है, इसकी अभी क्या जल्दी है, फिर कर लेना। जा रानी जी, अभी अभी तो अच्छी तरह बोल रही थी, ये जरा के जरा में क्या हो गया आपको? हैं? ये क्या बच्चे के कपड़े यहां कैसे आए? देख तो री, आज ये फेंक गया। कौन फेंक गया? वही री, अपना भूत री। आ, भूत! छोएगा नहीं? अब देखो अपने नाना जी को। अरे जयपाल, इस नाम से ही काम नहीं चलेगा, तुझे माँ की प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी, करेगा ना?
ओहो, तुम यहीं ठहरो। आज तो मैं बड़ी नसीब वाली हूं। कैसे? इतने बरसों के बाद जो आप पधारे, क्या ये मेरी खुशनसीबी नहीं? आइए पधारिए। हंसे क्यों? एक पुरानी बात याद आ गई। कौन सी बात? तुम्हें मोर पंख से धूल उड़ाते देखकर तुम जो खेत में नाच भटकती थी ना, वो याद आ गया। मंगला, तुमने मेरे आने का सबब तो पूछा ही नहीं। आप खड़े हैं, बैठिए ना। छुओ मत मुझे। हाय राम, हाथ छूने से ही क्या मैं माँ बन जाऊंगी? ओहो, ये बात अभी तक याद है प्रतिज्ञा? सुन लो, बच्चा तो तुम्हारे होगा नहीं इस जन्म में, ना प्रतिज्ञा ही पूरी होगी। खैर घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ए, कौन है? क्या है ये? तुम्हारे लिए एक सौगात लाया हूँ। मुझे तो मालूम ही था आप मुझे प्यार करते हैं। हाथ भर दूर खड़े रहो मुझसे। जो आज्ञा। ये देखा, मैं तो इन 5 वर्षों में कभी सुख से नहीं सोई कि हमारे मुन्ने के लिए पालना भी नहीं। बेचारा बिना पालने के ही पल बढ़ा है। करूं तो क्या करूं, आज से वो चिंता भी दूर हो गई। पर ये क्या है? ये है तुम्हारा बेटा। कहिए हमारा बेटा। क्यों रे छोटे, देखा कितने अकलमंद हैं तेरे पिताजी। पालना लाए हैं तेरे लिए, पालना। बड़ा बुद्धू नजर आता है। बिल्कुल आप पर गया है। लीजिए अपने बच्चे की एक चुम्मी ले लीजिए। नन्हे, आज मैं तुझे एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। सुन, किसी नगर का एक राजा था,
उसने एक लड़की को देखा और देखते ही अरी तुरी करके सताने लगा। लड़की ने कहा, राजा जी आपको ये शोभा नहीं देता। बस फिर क्या था, राजा को गुस्सा आ गया और कहा, अरे छोकरी तूने मुझे क्या समझा है, सुन मैं तुझसे ब्याह करके तुझे कैद खाने में बंद कर दूंगा। राजा ने उसके साथ जबरदस्ती ब्याह किया और फिर बेचारी को कैद में डाल ही दिया। क्यों मुन्ने, तुम्हें वो राजा मिल जाए तो तुम क्या करो? उसे दीन दूं। आज से 20 साल पहले की बात है, मैं अपने कबूतर को दाना चुगा रही थी। अचानक कबूतर उड़कर राजा के बाग में चला गया। मैं उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। इतने में वहां राजा का बेटा आ गया और कबूतर पकड़ देने के बहाने मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर घर भाग आई। दूसरे दिन जब मैं खेत में नाच भटक रही थी तो एकाएक वही राजा का बेटा वहां आ पहुंचा। मैं हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं कि उसने रानी जी के कमरे में से किसी मर्द की आवाज आ रही है। क्या बकता है, मंगला के कमरे में मर्द? मुझसे तो पहरेदार ने कहा था सरकार। यही मेरी कहानी है। तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या भेष भरे, क्या क्या नाटक किए, भगवान ही जानता है। ये 20 साल मैंने 20 चुप जैसे बिताए हैं। अब जाकर कुछ शांति मिली है। मां जरा सी बात के लिए जन्म का है, कहो तो पिताजी से मिलूं जाके। जा जा जा, शायद तेरे पिताजी हैं। चारों तरफ क्या देख रहे हैं आप? कौन आया था यहाँ? जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ आता कौन? आप ही आए हैं। चुप जबादराज, मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती है? देख क्या हल करता हूँ तेरा। अपनी ब्याहता के साथ जरा नरमी से बात नहीं कर सकते आप? ये बेत कहाँ से आया? चूहे बिल्लियों ने नाक में दम कर रखा है। झूठ बोलती है। चिल्लाते क्यों हैं? मैं रानी ना हूं? रानी?
माँ आंसू पोंछो, आज से दो दिन के अंदर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करके ना दिखा दूं तो मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया, तुम्हारा दूध नहीं पिया। जयपाल ये क्या है, क्या कर रहे हो? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, जब तक अपनी माँ की प्रतिज्ञा पूरी ना कर दूंगा मैं दम ना लूंगा। मगर उसके लिए ये भेस क्यों? प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कोड़े लगाना ही काफी नहीं, भरी सभा में ऐसा करना होगा, इसलिए एक चाल चल रहा हूं। हुजूर, हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे थे मगर गधा कहीं का, कुतवाल बना फिरता है। खास राजमहल में चोरी होने लगी तो फिर मामूली लोगों की खैरी कहां, कहीं जाके गधे क्यों नहीं चलाते? नहीं हुजूर, आज से चार दिनों में पता नहीं क्या झक मारोगे, निकलो यहां से, निकलो। क्यों रे, अगर हम लोग आज रात को भेस बदलकर शहर देखने निकले तो तेरी क्या राय है? जो आपकी राय वो मेरी। आदमी जा रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे जा और जैसा मैंने समझाया है ठीक उसी तरह उनसे कह गया, कहेगा ना?
जा जा। अजी अजी, शहर के बाहर वाले उस मैदान में इस वक्त भी एक दिया जल रहा है। क्या क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ एक महाजन अकेले ही दुकान लगाए बैठा है। क्यों रे, इतनी रात तक दुकान खुली रखने का मतलब? शेर साहब, क्या क्या चाहिए आपको? महाराज पधारो, जय राम जी की। क्या क्या चाहिए आपको? श्री नारायण। ए, इतनी रात तक इस बियाबान में दुकान क्यों खोले बैठा है? इस वक्त कौन सौदा लेने आता है? जी व्यापारी हूँ, सभी कुछ राखू हूँ। नून, तेल, मिर्च मसाला, अमृतसर का चावल, दिल्ली की दाल, बरेली की चीनी, फरमाओ क्या तोलूं बाप जी। ए, बाप होगा तेरा कोई तेली तंबोली? हमारे सवाल का ठीक ठीक जवाब दे। यहाँ दुकान किस लिए खोल रखी है? कौन आता है यहाँ? जानता है मैं कौन हूँ? यहाँ का राजकुमार। बाप रे, जय हो महाराज, जय अन्नदाता। मुद्दत से दर्शनों की अभिलाषा लग रही है, सो आज श्री नारायण की कृपा हुई। श्री नारायण। मेरे दर्शनों की अभिलाषा किस लिए? लो महाराज, आपका डंका तो नौखंड में बाजे है। ऐसा धर्मवीर, दानवीर, पुण्य प्रतापी राजा पृथ्वी पे है कोई दूसरा? क्या क्या चाहिए अंदाता? चावल, दाल, गुड़, तमाकू। देख रे माय बाप, सच सच बता, कौन आता है यहाँ? बताऊ अंदाता, बताऊ। चोर डाकू आवे, एक के चार देवे, चवन्नी के चावल और फेंके रुपया। क्या करूं अंदाता, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। श्री नारायण। उन्हें गिरफ्तार करा देगा? श्री नारायण, पाप महाराज, महापाप। मेरे पेट पे लात मत मारो अंदाता। हे मेरी माई, इधर कुआं उधर खाई, आपका हुक्म टालूं तो मरूं। एक बात अंदाता, सिपाहियों को कहीं दूर छिपा दो, जब हम इशारा करें तब एकदम आके छापा मारें। समझने की बात है महाराज। श्री नारायण। ए, तुम लोग यहां से दूर जाकर छुप जाओ, ज्यों ही मैं सीटी बजाऊं फौरन धावा मारना। श्री नारायण। आपको बोलते सुनकर मुझे मेरा बाप याद आ गया। महाराज, आपकी ये रजवाड़ी पोशाक देखकर चोर आते होंगे तो भी नहीं आएंगे, सो आप ऐसे कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठ जाओ, चिलम तमाकू के लिए वो आवेंगे ही, बस बजाओ सीटी और काम फतेह। श्री नारायण। ठीक है। श्री नारायण। क्या कहने,
अब तो आप सवा सोले आने महाजन दिखो हमारा श्री नारायण। बैठ गया आराम से महाराज। जय राम जी की। ए कहां चला महाराज? वो डाकू आप राजा और मैं महाजन की जात। जोगी जोगी लड़े खप्पर का कल्याण। मुझे तो अंदर छुप जाने दो अंदाता श्री नारायण। फंस गया है, देखो वो महाजन बना बैठा है, जाकर फौरन दबोच लो और बोरी में बंद करके राज्यसभा में ले आओ। जाओ। मैं चोर नहीं हूं, राजकुमार हूं, राजकुमार हूं। सदा झूलने वाले कांटा बनकर हर दिल में चुभने वाले, याद है उस काले तिल वाले की प्रतिज्ञा? आपका बेटा है। मेरा बेटा?
हाँ आपका बेटा 20 साल पहले वसंत मंडप में वो कोकाफ की नाचने वाली ब्रूडरलिस उमशुंगंडुर उंडोडस डेडे ये हार ये अंगूठी आपसे कुछ कहना है तब हमारी शादी नहीं हुई थी अब हम एक दूसरे के कई गुजरे को भूल जाइए मुझे इस तरह बर्बाद न कीजिए नाटक कर रही हो मंगला तुम एक आदर्श नारी हो तुम्हारी ही जीत हुई जीत हुई जीत दुनिया जानती है कि मैं एक हारी हुई औरत हूं क्या जीता मैंने सब कुछ खोकर जीवन को एक धोखा बनाकर मैंने इतने दिन छाया की तरह बिताए हैं क्या यही मेरी जीत है 20-20 साल तक पिंजरे की पंछी की तरह मैं अकेली तड़पती रही न मैंने सूरज का उजाला देखा न चांद की चांदनी मैंने हंसने खेलने के दिन रो रो कर बिताए मैंने ही आंसू बहाए और मैंने ही पोछे जिंदगी की तलखियां और लड़ाइयां ही मेरे पाले पड़ी मैंने प्यार और खुशियों की मीठी दुनिया का मुंह भी ना देखा क्या यही मेरी जीत है अपने ही पति को पाने के लिए लोक लाज को तिलांजलि देकर मुझे भरी सभा में नाचना पड़ा अपने ही पति के सामने पर नारी बनकर उसका पहलू सजाना पड़ा क्या यही मेरी जीत है जाइए जीत कहकर मेरी हार की हंसी ना उड़ाइए पुराने जख्मों को ताजा न कीजिए आप मर्द हैं दुनिया आपकी है हुकूमत आपकी है आप खुशियां मनाइए नाच मुचरे कराइए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मुझे मालूम न था कि मर्दों की दुनिया में औरत इतनी कमजोर बेकस और मजबूर होती है मंगला मुझे माफ करो तुम महान हो मैं तुम्हें न समझ सका मैंने तुम्हें जिंदगी भर सताया दुख दिया लेकिन तुमने जुल्म के लिए उठने वाले हाथ को प्यार से चूमा मंगला मेरे उन तमाम जुल्मों को भूल जाओ मुझे अपने विशाल हृदय में जगह दो अब से तुम ही मेरी दुनिया हो मंगला